एक्सटर्नल ओटाइटिस जिसे ओटाइटिस एक्सट्रा स्विमर्स ईयर भी बोलते हैं कॉमन आपका डिजीज है जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल को प्रभावित करती है इस वीडियो के अंदर ओटाइटिस एक्सटर्ना के कोजेस ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस के बारे में बात करेंगे के अंदर हेयर स्प्रे हेयर डाइल लोशन से बीमारी कोज करते हैं डिस्कस करते हैं डिफाइनिंग एक्सटर्नल ओटाइटिस तो डिजीज जो है वो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में प्रेजेंट होती है इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होता है स्किन लाइनिंग जो है ईयर कैनाल की उसमें इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाता है इसको कॉमनली स्विमर्स ईयर्स भी बोलते हैं और सिवियर स्पेक्ट्रम जो है डिजीज का वो माइल्ड डिस्कम्फर्ट से सीवियर पेन या कॉम्प्लिकेशन तक आपका हो सकते हैं इटियोलॉजी की बात करते हैं एक्सटर्नल की इटियोलॉजी में फैक्टर्स तो आपका लंबे समय तक ऐसे लोग जो आपका वाटर के कॉन्टेक्ट में होते हैं हाई ह्यूमिड एनवायरमेंट में आपका रिजाइड करते हैं या वार्म याचर में तो ऐसे आप ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर एक्सटर्नल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जैसे की जो स्विमिंग करते हैं एक्सेसिव स्वेटिंग जिनको होती है या फिर आपका ट्रॉपिकल एनवायरमेंट के अंदर जो लोग रहते हैं आपका माइक्रोब्स जो है वो भी डिजीज

ऐसे आपका लोगों के अंदर होने के चांस बढ़ जाते हैं और आपका सिस्टमिक फैक्टर्स के अंदर जिनमें वाइटामिन की डेफिशिएंसी होती है एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स होते हैं उनको भी ओटाइटिस एक्सटना होने के चांसेस आपका बढ़ जाते हैं तो कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं कुछ माइक्रोब्स हैं और आपका प्री डिस्पोजिंग कंडीशन हैं जो बीमारी के लिए जिम्मेदार हैं बात करते हैं केमिकल इरिटेंट्स एंड एलर्जिक रिएक्शंस की तो आपका हेयर केयर प्रोडक्ट्स जैसे कि हेयर स्प्रे डाइज परमानेंट वेव सोल्यूशंस ये आपका स्किन को इरीटेट करते हैं ईयर केनाल की और आपका बेसिकली एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस उसको आपका लीड करते हैं और वही आपका कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस जो है वो एक्सटर्नल ऑटाइटिस का आपका कारण बन जाता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस साइंस एंड सिम्टम्स की बात करते हैं क्लिनिकल आपका साइंस एंड सिम्टम्स है उसके अंदर पेन है जो आपका सीवियर से लेके और मूवमेंट के साथ में पेन आपका बढ़ जाता है साथ में पेशेंट को ओरल फुलनेस फील होती है सेंसेशन ऑफ ब्लॉकेज और प्रेशर जो आपका अफेक्टेड ईयर के अंदर आपका महसूस होता है तो टेम्परे कंडक्टिव हियरिंग लॉस आपका हो सकता है क्योंकि कैनाल के अंदर आपका एडिमा होता है साथ में जो है वो आपका कलेक्ट होते जाते हैं क्रूराइटिस तो इचिंग रहेगा ईयर ईयर कैनाल के, के अंदर स्लाइट फीवर हो सकता है टेंडरनेस प्रेजेंट होता है डिस्चार्जेस जो है वो आपका येलो ग्रीन हो सकते हैं फाउल स्मेलिंग आपका डिस्चार्जेस प्रेजेंट होते हैं स्वॉलन लिम्फ नॉट जो है वो आपका प्रेजेंट हो सकते हैं आपका

तो लक्षणों के प्रकट होने उनकी ड्यूरेशन एवं सिम्टम्स को बढ़ाने वाले फैक्टर्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं साथ में पानी का एक्सपोजर कोई चोट या कोई कान से संबंधित आपका प्रोडक्ट के यूज के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं डॉक्टर्स फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो एक गहन ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन डॉक्टर परफॉर्म करते हैं जिसमें कान की नाल के एरिथमा सूजन मवाद का बहना या मवाद का सूखना इत्यादि के बारे में चेक किया जाता है कल्चर एम सेंसिटिविटी तो कई बार आपका सीवियर आपका होने पर या बार बार इंफेक्शन होने पर डॉक्टर्स जो हैं वो ईयर कैनाल का एक कल्चर ले लेते हैं और माइक्रोबियल विश्लेषण के लिए भेजते हैं ताकि टारगेटेड एंटी माइक्रोबियल दवाओं को प्रेस्क्राइब किया जा सके मेडिकल मैनेजमेंट तो ट्रॉपिकल मेडिसन जो है वो डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं जिनमें एंटीबायोटिक ड्रॉप्स जैसे कि सिप्रोफ्लोक्सासिन ओफ्लोक्सासिन या नियोमाइसिन पोलीमेक्सिन बी जो है वो प्रेस्क्राइब की जाती है कॉर्टिकोस्टीरोइड्स तो हाइड्रोकोर्टिसोन या डेक्सामेथासोन इन्फेक्शन को एम सिम्टम्स को कम करने के लिए आपका यूज की जाती हैं एंटीफंगल एजेंट्स क्लोट्राइमाजोल या माइकोनाजोल जो है वो आपका डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं एसिडिफाइंग सोल्यूशंस एसिटिक एसिड एसिटेट या एलुमोनियम एसिटेट जिसे बरोज सॉल्यूशन भी कहते हैं उसका उपयोग एयर कैनाल के पीएस को रिस्टोर करने के लिए किया जाता है ताकि माइक्रोब्स जो है उनको ग्रो करने से रोका जा सके सिस्टेमिक ट्रीटमेंट एम पेन मैनेजमेंट के लिए आपका ओरल एंटीबायोटिक्स यानी कि सीवियर केस या फिर सेलुलाइटिस उपस्थित होता है तो उन पेशेंट्स के केसेस में सिप्रोफ्लोक्सासिन या अमोक्सिलिन क्लेविनेट जो होता है उसे आपका ओरल टेबलेट्स के रूप में प्रेस्क्राइब की जाती है ये दोनों ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उनको टारगेट करते हैं टॉपिकल एनास्थेटिक्स तो सीवियर ईयर पेन जो है उसको रिलीफ करने के लिए फर्स्ट चौबीस से लेकर अड़तालीस घंटे के लिए बेंजोकेन या लिडोकेन जो क्रीम्स होती हैं उनका उपयोग किया जा सकता है एनाल्जेसिक के रूप में तो पेन को रिलीफ करने के लिए एनएसएआईडीज जैसे कि आइबूप्रोफेन या नेप्रोक्सेन या फिर एसिटामिनोफेन जो है वो आपका उपयोग किया जा सकती हैं एंटी फंगल आपका जो ड्रग्स होते हैं उनको भी आपका यूज किया जाता है तो बहुत ज्यादा फंगल इन्फेक्शन या फिर आपका इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज आपका पेशेंट्स होते हैं तो ओरल एंटी फंगल आपका टेबलेट्स जैसे कि फ्लुकोनाज़ोल जो है और टॉपिकल के साथ साथ में आपका उपयोग की जा सकती है इस बीमारी की जो रिस्क होती है वो आपका डायबिटीज के पेशेंट्स इम्यूनोकम्प्रोमाइज पेशेंट्स या फिर जो स्विमर्स हैं ओल्ड एज के जो लोग होते हैं और बच्चे होते हैं उनके अंदर आपका ज़्यादा होती है यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा कमेंट्स कीजिएगा इसी प्रकार से और आपका जो वीडियोस हैं वो डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए